सो टुडे वी मेक KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, लाइक शेयर कमेंट पूरा सपोर्ट दीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 kg चिकन लेंगे, सबसे पहले इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे मैरिनेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लेमन वाटर यूज़ करेंगे। थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग अभी थोड़ा लो है, अभी इस पर हम काम कर रहे हैं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे हम इसके लिए। उसके बाद हम रेड चिली पाउडर, ओके। देन इसके बाद हम यूज़ करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट के बाद थोड़ा सा ओरिगेनो सीजनिंग्स, आफ्टर दैट सम ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के बाद हम थोड़ा इसे मिक्सअप कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे इसके अंदर पोर्शन तक चिकन में मसाला घुल जाएगा। इसको थोड़ा हम पैक करके टू ओवर्स के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। देन उसके बाद एक बाउल लेंगे, बाउल में हमें 3 eggs डालने हैं। थ्री एग्स के बाद हम सबसे पहले बेसिकली ये हम सेकंड कोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सॉल्ट डालेंगे सबसे पहले हम। सॉल्ट के बाद हम थोड़ा सा इसमें जो कि मैदा डालेंगे, मैदे के बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। इसको अच्छे से मिक्सअप करके इसको साइड रख देंगे। फिर हम सेकेंड कोटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे, मैदा लाने के बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर के बाद ब्लैक पेपर, फिर दोबारा यूज़ करेंगे हम थोड़ा सा इसमें। ये सब फ्लेवर्स देने के लिए गाइस, हमारी कोटिंग तो है, कोटिंग भी अच्छी रहनी चाहिए। उसके बाद हम ब्लैक, इसमें हम बेसिकली रेड चिली पाउडर, उसके बाद हम सॉल्ट यूज़ करेंगे। ये हम केलॉग्स का कॉर्न यूज़ कर रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स, तो इसको हम थोड़ा क्रंच करके डालेंगे, जिससे क्या होगा हमारी जो चिकन पे जो हम कोटिंग करेंगे, कोटिंग करते टाइम हमें काफ़ी क्रिस्पीनेस देगा ये उसके। सो अब हम इसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। सो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छे से। अब जैसे ही मिक्स हो जाएगी, अब हमें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मिक्स होने के बाद ये सारी चीज़ें देख लीजिए, हमारी तीनों चीज़ें रेडी हैं। हम फ्रिज से चिकन भी निकाल लाए हैं। सो अब हमें स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चिकन का पीस लेंगे, जो हमारा जो मैदे का कोटिंग है उसमें पहले इसको मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद इसको थोड़ा सा झाड़ लेंगे। इसके बाद डायरेक्टली हम इसको सबसे पहले हमारी एग की जो कोटिंग हमने बनाई थी उसके अंदर मिक्सअप कर लेंगे, जो अच्छे से इस पे पेस्ट हो पाए। पेस्ट होने के बाद इसको दोबारा हम मैदे की कोटिंग में डालेंगे, तो अच्छे से इस पे क्रिस्पीनेस आएगा। चेक कर सकते हैं अच्छी से क्रिस्पीनेस के लिए इस पे काफ़ी अच्छी कोटिंग हो गई है। सी गाइस, ब्यूटीफुल। अभी हम एक सेकंड एक बोनलेस पीस लेंगे। मैं दोनों पीस एक बारी आपको करके दिखा देता हूँ गाइस। काफ़ी इजी है वैसे, इतना कोई इसमें कुछ मुश्किल नहीं है गाइस।
चेक। नाउ अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई में हमें ऑयल ले लेना है और लो फ्लेम पे रखना है हमें, लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। सो हम फर्स्ट पीस डाल देते हैं, लेग पीस। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डाउन है, आगे चल के थोड़ा बेटर करेंगे इसको हम। सो लिटिल बिट एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। सो भी आप देख सकते हैं अच्छी क्रिस्पीनेस आ गई है। जब तक ये झाग ना चले जाएं तब तक, मींस अभी तक हमारा चिकन जो हुआ नहीं है, अभी भी झाग आ रहे हैं इसमें। सीधे ये पीस हो गया है गाइस, देखिए कितना क्रिस्पीनेस है इसमें। आइए, ये हमारा चिकन रेडी हो गया गाइस, आप इसे देख सकते हैं। इसको मैंने 1000 आइसलैंड सॉस के साथ रेडी किया है। नाउ सी हाउ क्रिस्पी इज दिस, इट्स लुक नाइस एंड इट्स वेरी टेस्टी। दिस इज विमल पान मसाला साइंस।